Okay, students, yesterday we have seen chapter chemistry in chapter 1, that is chemical reaction and its equation. So we have started with the chapter by introduction, that is what do you mean by chemical reaction, what do you mean by reactants and products. Phir humne types of changes bhi dekhe the. Then we have started, what do you mean by characteristics, we have started characteristics during a chemical reaction. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था हमने देखा था चेंज इन फिजिकल स्टेट. देर वर फोर स्टेट्स फिजिकल स्टेट वी हैव सीन यस्टरडे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड एक्वस. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज योर second characteristics. This I can explain you using an example, that is we take the pieces of zinc granules in a conical flask and this is your activity in your textbook, activity 1.3, that is explaining you the characteristic. For we take zinc granules, now zinc granules, the symbol of zinc is Zn. We add acid, any dilute acid, let us take dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, the formula is HCl, you all know that. It gives you zinc chloride salt, zinc chloride salt, formula is ZnCl2. Now how the formula is represented, that you have already studied in 9th standard atoms and molecules chapter using crossover formula. In this slides further also we will study this video. आगे भी हम देखेंगे इसको कि कैसे formula बनाते हैं. तो ये क्या बनाएगा, जब zinc granule आपका dilute hydrochloric acid के साथ react करेगा तो zinc chloride plus hydrogen gas evolve होगा, क्योंकि हम second characteristic क्या देख रहे हैं, evolution of gas. So hydrogen gas evolve हो रहा है. हाइड्रोजन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटमोस्फेयर में डायटोमिक फॉर्म में है, सो H2. नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस एक केमिकल रिएक्शन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम अपवर्ड एरो से सिग्निफाई करते हैं. कौन से एरो से, अपवर्ड एरो, टू सिग्निफाई द इवोल्यूशन ऑफ गैस. ऐसे हम सिग्निफाई करेंगे उसके बाजू में कि गैस का इवोल्यूशन हुआ है. जिंक कौन से स्टेट में है, ग्रैनुल्स, सॉलिड स्टेट में है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑब्वियसली HCl है, लिक्विड स्टेट में होगा. ZnCl2 एक्वस स्टेट में है, सॉल्ट फॉर्म में डिजोल्व हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस दैट इज इन जी फॉर्म. हाउ यू कैन सी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है. आप जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर ये एक्टिविटी करवाएंगे आपको स्कूल में, तो आप देखोगे कि बर्निंग कैंडल लाएंगे या फिर बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और जब वो बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक आप इसके पास लाओगे तो इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड. पॉपअप साउंड से बर्न होगा और वो कंफर्म करेगा कि कौन से गैस का प्रेजेंस है आपके, हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है. सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. Precipitate. Now, what do you mean by precipitate? Precipitate क्या होता है? It is a insoluble solid substance. Insoluble solid substance को हम क्या बोलते हैं? Precipitate. And formation of precipitate हम एक chemical reaction में show करते हैं by downward arrow. जैसे हम evolution of gas को कैसे show करते हैं? By upward arrow. So formation of precipitate is shown by downward arrow. क्योंकि precipitate है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा. इट विल सेटल डाउन, इसलिए उसको कैसे शो करते हैं हम लोग, बाय डाउनवर्ड एरो. लेट मी एक्सप्लेन यू यूजिंग एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है, सॉरी बेरियम क्लोराइड प्लस योर सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में, सॉल्ट था, उसको पानी में डिजोल्व किया, तो कौन सा स्टेट होगा, एक्वस स्टेट. क्योंकि सॉल्ट जब वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो कौन सा स्टेट हो जाता है, एक्वस स्टेट. सेम वे सोडियम सल्फेट का सॉल्ट लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया, तो यहां पे भी कौन सा स्टेट आएगा,
एक्वस स्टेट। फॉर्मूला, आपको फॉर्मूलाज के लिए वैलेंसी आनी चाहिए, सोडियम सल्फेट। व्हाट इट गिव्स, इट फॉर्म्स बेरियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स योर बेरियम सल्फेट, प्लस NaCl, बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, और NaCl आपको पता है NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, सो इट इज अ सोल्यूबल सब्सटेंस एंड इट इज अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस डिनोटेड बाय डाउनवर्ड एरो। अब ये दोनों एक्वस कंडीशन में है, ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है तो सॉलिड कंडीशन में होगा, अगेन सोडियम क्लोराइड इज इन विच कंडीशन, एक्वस कंडीशन। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस शोन बाय अपवर्ड एरो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वॉज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मीन्स इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस, तो वो आपको सिग्निफाई करता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, थिक सब्सटेंसेस है और वो सेटल डाउन हो जाता है। सो दिस इज योर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, सो टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए अभी तक, तीन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन कलर, अगेन दिस इज इन योर एक्टिविटी, आपका एक एक्टिविटी का ही एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेड नाइट्रेट का सॉल्ट लिया है, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट सॉल्ट, एंड दिस लेड नाइट्रेट सॉल्ट इज ऑफ व्हाइट कलर, लेड नाइट्रेट सॉल्ट, उसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। तो क्या देखोगे आप, ये जो व्हाइट कलर का सॉल्ट है, जब आप उसको हीट करोगे तो ये आपका लेड ऑक्साइड बना देगा, दैट इज PbO प्लस NO2 प्लस आपका O2, इट विल फॉर्म योर लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। नाउ दिस लेड नाइट्रेट इज ऑफ विच कलर, व्हाइट कलर। अब हम चेंज इन कलर पर रहे, तो लेड ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है, आप देखोगे तो टेस्ट ट्यूब में इसका सॉल्ट का कलर चेंज हो जाता है ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर का रेसिड्यू। अगेन NO2 है, गैशियस होगा, O2 भी क्या है, गैशियस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। सो अगेन चेंज इन कलर, और ये कौन सा शो कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी। एक केमिकल रिएक्शन आपको मोर देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकता है साथ में। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर, वेयर लेड नाइट्रेट, द नेम ऑफ द सॉल्ट इज लेड नाइट्रेट, व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, इज चेंज इन टेम्परेचर, और यू कैन से एनर्जी चेंज। सो चेंज इन टेम्परेचर और एनर्जी चेंज कैन बी टेक प्लेस बाय टू टाइप्स, फर्स्ट इज आइदर बाय व्हेन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व, कहीं कुछ कुछ रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होगी, या फिर दूसरे टाइप में बोल सकते हैं जब आप हीट को एब्सॉर्ब करोगे, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ये दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होती है, जहां हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। जब हीट इवॉल्व होगा उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इवॉल्व और यू कैन सी रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड इट इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो मतलब एब्सॉर्ब करना, अंदर एब्सॉर्ब करना। अब इसका एग्जाम्पल, अगेन वी विल टेक द टेक्सट बुक एग्जाम्पल इटसेल्फ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, कल ही मैंने आपको बताया था कोल मतलब कार्बन, आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट भी रिलीज होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
अगेन वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, यू कैन से रेस्पिरेशन. हम जो रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, अगेन रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं C6H12O6, वी रेस्पायर दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ O2. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट्स किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, O2 के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, तो वो आपको क्या देगा, दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. अब यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग इट एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो इतना क्लियर है आप लोगों को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इवॉल्व हो रहे हैं, एंडोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहे हैं. एंडोथर्मिक प्रोसेस का आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस एग्जाम्पल यू कैन टेक इट एज एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया विच इज प्रेजेंट कॉमनली नोन एज लाइमस्टोन ऑल्सो. इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को. कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है. लाइमस्टोन को जब आप हीट कर रहे हो, अब यहां पे आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, ये रिएक्शन करने के लिए आपको हीट चाहिए, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस. यहां हमें हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स यू व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, एंड कैल्शियम ऑक्साइड अगेन इट इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम. क्या बोला जाता है इसको, कॉमनली कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम क्विक लाइम. सो इज दिस कैरेक्टरिस्टिक क्लियर टू यू. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर. चेंज इन कलर, कलर ऑफ द सॉल्ट क्या है, यहाँ पे कलर ऑफ द सॉल्ट व्हाइट है. व्हाइट कलर के सॉल्ट को हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, लेड ऑक्साइड दे रहा है. लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक शो को हो रहे हैं, चेंज इन कलर वाला एक कैरेक्टरिस्टिक और एक कैरेक्टरिस्टिक आपका हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर में मतलब एनर्जी चेंज, हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड, हीट इज एब्जॉर्ब. Heat evolved or released is known as exothermic process and this is known as endothermic process. With the example burning of coal wala, calcium carbo or endothermic ka calcium carbonate wala and respiration also. Clear? This many things are clear to you. Now this were the five characteristic that you can see during a chemical reaction taking place. Okay? So